दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। कुछ और बीमारियां बताऊं आपको जिसका इलाज आपके घर में है। जैसे हमारे घर के छोटे छोटे बच्चों को गले में दर्द होता है, और गले में दर्द होता है तो एक बीमारी है टॉन्सिलाइटिस। इस टॉन्सिलाइटिस बीमारी में ऑपरेशन कभी मत करें, क्योंकि ऑपरेशन से इसका समाधान नहीं होगा। आज आपने ऑपरेशन करा दिया, कल उसके दूसरे दुष्परिणाम आ जाएंगे सामने। तो गले का ऑपरेशन कभी मत करें। जब टॉन्सिल की तकलीफ होती है बच्चों को या बड़ों को, तो उसकी दवा हमारे घर में है हल्दी। हल्दी का उपयोग करें। कैसे करें? आधा चम्मच हल्दी लीजिए, और जिसको टॉन्सिल का दर्द है गले में, इसका गला मुंह खोलकर हल्दी अंदर डालिए गले में, यहाँ पर चम्मच से अंदर डाल दीजिए, चम्मच निकाल दीजिए। फिर ये हल्दी लार के साथ अंदर जाएगी, और ये हल्दी जैसे ही अंदर जाएगी तो टॉन्सिल का दर्द ठीक कर दे। एक खुराक में टॉन्सिल बहुत बार हमेशा के लिए ठीक हो जाए। दूसरी खुराक किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ती। इतनी अच्छी और इतनी प्रभावकारी दवा है ये हल्दी। ऐसे ही आपके गले में, गले से जुड़ी हुई और एक बीमारी है थायराइडिज्म। थायराइड बढ़ गया, हाइपर थायराइडिज्म। इसकी बहुत अच्छी दवा है, धनिए पत्ते की चटनी बनाइए और एक चम्मच चटनी आधा गिलास गुनगुने पानी में मिला के रोज सवेरे पी जाइए खाली पेट। तो धनिए पत्ते की चटनी खाली पेट कोई भी पिएगा तो हमेशा के लिए उसकी थायराइड ठीक होगी। और ये नियमित रूप से महीने डेढ़ महीने पी लीजिए, उसी में आपकी बीमारी ठीक हो जाए। इसी तरह छाती के कुछ रोग हैं, जैसे दमा, जैसे अस्थमा, जैसे ब्रोंकियल अस्थमा, जैसे ट्यूबरकुलोसिस। इसकी बहुत अच्छी दवा है दालचीनी। दालचीनी का पाउडर बनाइए और शहद में मिला के उसको चाट के खाइए, और पीछे से गर्म पानी पीजिए, तो 3-4 महीने में दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा सब ठीक होता है। और एक बहुत अच्छी दवा है हमारे घर में, वो है देशी गाय का मूत्र। अगर कोई भी व्यक्ति खाली पेट आधा कप देशी गाय का मूत्र रोज पिए ताजा, तो दमा अस्थमा दोनों ठीक हो जाता है, और ट्यूबरकुलोसिस भी ठीक हो जाता है। हमने देखा कि अंग्रेजी दवाओं से ट्यूबरकुलोसिस ठीक होने में 9 महीने लगते हैं, लेकिन गाय का मूत्र पीकर ट्यूबरकुलोसिस 2 महीने में ही ठीक हो जाता है। इतनी प्रभावकारी दवा है। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।